बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 16, हिज मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक है वो प्रीवियस क्लासेस में, 9 क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा इनको रिपीट करते हैं, और इसके अलावा उसमें जो मज़ीद इसमें जो ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो कि 9 क्लास में नहीं है, उस पर थोड़ा सा हम जोर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ बेसिकली द एनवायरनमेंट, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट? इन अर्ली क्लासेस यू हैव लर्न दैट द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। सराउंडिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसमें वो रहता है उसको कहा जाता है एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट हैविंग टू कंपोनेंट्स, टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। The first one is known as biotic, while the second one is known as abiotic. Biotic को हम simply कह सकते हैं the living part of the environment, living component of the environment, while the second one is the abiotic component of the environment. Biotic living component है, so living में हमारे पास आ जाता है plants, animals and microbes, means life. So living organism इसमें included है, while the second one abiotic है। abiotic को हम non living part of the environment कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास अगर आप देख लें lithosphere, hydrosphere, atmosphere शामिल हैं। lithosphere solid portion, hydrosphere water है, इसी तरह atmosphere जो है वो gases पर मुश्तमिल है। सो हम कह सकते हैं कि abiotic factors डिफरेंट हैं, जो कि आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें टेम्परेचर आ जाता है, ग्रेविटी आ जाती है, फायर आ जाती है, और इसके अलावा वाटर एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। सो कहने का मकसद ये है कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सो लाइफ जो कि हमें ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलती है या नज़र आती है, अगर आप देख लें विल कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनिज्म में और ऑर्गेनाइज फॉर्म में हर एक जानदार मिलता है। सो उसमें कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, जो कि बेसिक यूनिट्स कंबाइन होकर एक हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और वो ऑर्गेनिज्म की लेवल तक जब हम आते हैं तो उसको स्पीशी कहा जाता है, जिसमें एटम्स, एटॉमिक पार्टिकल्स, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और इसके अलावा और चीज़ें जो होती है कंपाउंड वगैरह, एटलास ऑर्गेनेलीज, और इसके अलावा सेल और सेल कंबाइन होकर स्पीशी बना लेते हैं। सो दैट इज़ अ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास हमें एक ऑर्गेनाइज बॉडी मिलती है जिसको स्पीशी कहा जाता है। व्हाट इज़ बेसिकली स्पीशी? स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज स्पीशी। पहला पॉइंट इसमें है सिमिलर ऑर्गेनिज्म, अ लाइक ऑर्गेनिज्म, एक जैसे। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है दैट कैन ब्रीड विद वन अनदर नेचुरली। ब्रीड करेंगे, कपुलेशन करेंगे, इट मीन्स सेक्स करेंगे विद वन अनदर, बट नेचुरली। सो इन नेचुरल एनवायरनमेंट वो करेंगे। अदरवाइज अगर आप देख लें आर्टिफिशियल कंडीशन में हॉर्स और डंकी को भी क्रॉस किया जाता है, लेकिन वो हमारे पास आर्टिफिशियल कंट्रोल एनवायरनमेंट है जिसमें वो किया जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि नेचुरली ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो कि नेचुरली इंटरब्रीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पैरो विद स्पैरो, क्रॉस विद क्रॉस, इन लाइन विद लाइन्स, एट्सेट्रा। सो अ लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड इन विद वन अनदर नेचुरली। सो नेचुरली का वर्ड आपको समझ आया होगा, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और इसी तरह इस जो ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करेंगे, जो नस्ल वो पैदा करेंगे, उसमें ये एबिलिटी होगी, दैट विल शर्त ये होगा कि वो फर्टाइल होगा। फर्टाइल मीन्स पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आगे जाकर बच्चे प्रोड्यूस करें। सो उसमें फर्टाइल होते हैं, उसमें नस्ल बढ़ाने की सलाहियत मौजूद होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज़ फर्टाइल। सो अब हम इसकी डिफिनेशन कर सकते हैं, स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड विद वन अनदर नेचुरली एंड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे उसको स्पीशी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सेफियन, सेफियन इज अ स्पीशी ऑफ ह्यूमन। सो होमो सेफियन अगर आप देखें, इसके अलावा और भी है हमारे पास। इसमें एक टॉपिक आ जाता है जिसको हैबिटेट कहा जाता है।
What is habitat? A habitat is a specific locality. ये खास location होता है, specific locality with a particular set of environmental condition where an organism lives is known as its habitat. ये कैसी जगह जो कि एक खास location पर मौजूद हो, उसमें कुछ खास set of characteristic मौजूद हो और जहाँ पर एक organism रहता है उसको कहा जाता है habitat. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर जो रिवर्स लेक फ्रेश वाटर रिवर्स हैं और इसके अलावा लेक्स हैं फ्रेश वाटर सो या और ओशंस हैं दैट इज़ बेसिकली द हैबिटेट फॉर द फिश. इसके अलावा ट्री इज अ हैबिटेट फॉर द वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स और वेराइटी ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स उसमें मुख्तलिफ किस्म के रहते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ इंसेक्ट्स भी उसमें पाए जाते हैं. और इसी तरह अगर ट्री बार्क को देखा जाए सो रॉटन लॉग जिसे हम कहते हैं सो ट्री बार्क में भी बहुत किस्म के बैक्टीरिया या फंजाई जो है वो माइक्रोब्स उसमें पाए जाते हैं. सो बेसिकली हैबिटेट इज अ स्पेसिफिक लोकेलिटी विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज इट्स हैबिटेट. उसको इसका हैबिटेट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल फिशेज जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, सर आपको बताया ट्री उस पर बर्ड्स रहते हैं सो ये ट्री उस बर्ड्स के लिए हैबिटेट है. या हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं या माइक्रोब्स हैं अदर फंगस की वेराइटी है वो लॉग्स में पाए जाते हैं रॉटन लॉग्स सो वो उसके लिए उसका हैबिटेट है. द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज अ पॉपुलेशन. इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. पहले हम इकोलॉजी पढ़ लेते हैं. व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टू देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. इकोलॉजी बायो का एक ब्रांच है जिसमें हमारे पास जानदार जानदार के साथ और इसी तरह जानदार जो होते हैं गैर जानदार के साथ एक ताल्लुक बनाए रखते हैं, उसमें एक इंटर रिलेशनशिप होता है. उस इंटर रिलेशनशिप को हम कहते हैं इकोलॉजी. सो इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं. देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशी. एक स्पीशी होगी, सेम प्लेस जो होगी वो शेयर करेंगे. सो हम कह सकते हैं लिविंग एट द सेम प्लेस और सेम टाइम मीन्स लिविंग एट द सेम टाइम एंड शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज. अगर आप देख लीजिए यहाँ इस पॉइंट पर देख लीजिए सेम स्पीशी है. सो सेम स्पीशी मीन्स दे विल शेयर द सेम रिसोर्सेज बिकॉज स्पीशी जो है वो अलाइक है, एक जैसा है. सो उसकी रिसोर्सेज जो कि फूड वाटर या शेल्टर एट्सेट्रा होगी वो तमाम अलाइक होगी बिकॉज स्पीशी सेम है. सो उसकी रिक्वायरमेंट सेम होगी. सो जानदारों का एक ऐसा ग्रुप जो कि सेम स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हो, एक ही जगह पर रहते हो और उसी वक्त में रहते हो और इसके अलावा वो सेम रिसोर्सेज शेयर करते हो तो उसको एक पॉपुलेशन कहा जाता है. इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं. सो एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं दैट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टूडेंट इन स्कूल. स्कूल में स्टूडेंट्स की एक पॉपुलेशन जो है वो एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ पॉपुलेशन. द नेक्स्ट वन फ्रॉग इन अ पॉन्ड. फ्रॉग जो पाए जाते हैं एक पॉन्ड में, तालाब में, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन. फाइन ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, that is the example of population. So that was the next level of biological organization. Iske alawa hamare paas second aa jata hai, there is the community. So different populations of the same area constitute a community. Remember hamare paas ek area hota hai jo ki different areas paaye hote hain lekin us area mein population jo hoti hai wo ek nahi paayi jati. फॉर एग्ज़ाम्पल वी ह्यूमन्स आर एकम्पनीड बाय द क्रॉस. इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट में एरिया में स्पैरोज़ पाए जाते हैं. इसके अलावा कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा. सो कहने का मकसद ये है कि एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में एक पॉपुलेशन आमतौर पर नहीं पाया जाता. उसमें डिफरेंट पॉपुलेशन जो होते हैं वो सेम एरिया में सेम एरिया शेयर करते हैं आप इसमें. सो हम कह सकते हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ द सेम एरिया कंस्टिट्यूट अ कम्युनिटी. डिफरेंट पॉपुलेशंस एक ही जगह पर जब रहते हैं स्पेसिफाइड एरिया में वो एक कम्युनिटी बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल ऑल फिशेस
या टर्टल्स या प्लांट्स एंजियन बैक्टीरिया एक पॉन्ड में, पॉन्ड इज स्पेसिफिक एरिया, लेकिन इसमें अगर आप देख लें फिश डिफरेंट पॉपुलेशन है, टर्टल डिफरेंट है, प्लांट्स डिफरेंट है, एल्जी एंड बैक्टीरिया दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट पॉपुलेशन, लेकिन डिफरेंट पॉपुलेशन एक सेम एरिया शेयर करते हैं जिसे पॉन्ड कहा जाता है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम एरिया कंस्टिट्यूट अ कम्युनिटी। सो पॉपुलेशन के बाद हमारे पास कम्युनिटी आ जाता है और कम्युनिटी के बाद हमारे पास इकोसिस्टम आ जाता है। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? अ नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ स्टेबल इकोसिस्टम। बेसिकली यहाँ पर हम एक वर्ड को डिफाइन करेंगे जो कि है बेसिकली द इंटरेक्शन। सो वे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर। इंटरेक्शन अगर आप किसी भी इकोसिस्टम को देखेंगे तो वहाँ पर जानदार जानदार के साथ, इसी तरह जानदार गैर जानदार के साथ एक ख़ास किस्म के ताल्लुक बनाए रखती है जिस पर एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है, ताकि वो इकोसिस्टम एक स्टेबल कंडीशन में रहे तो उस पर ये डिपेंड करता है। सो एक नेचुरल एरिया जहाँ पर जानदार जानदार के साथ ताल्लुक रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स हैं हमारे पास। सो बेसिकली ये प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लिए फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाते हैं। सो वो फूड ये अपने लिए भी बनाते हैं, इसके अलावा ये जो होते हैं ये फूड ये कंज्यूमर्स के लिए भी बना लेते हैं, बिकॉज कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सो द प्लांट्स इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ पर अगर आप कंज्यूमर्स देंगे देयर इज आल्सो बायोटिक पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, लेकिन इस बायोटिक पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट के दरमियान एक खास किस्म का रिलेशनशिप है। इस तरह अगर आप देख लें प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करते हैं। सो देयर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक रिलेशनशिप है लिविंग की लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। इसी तरह अगर आप देख लें लिविंग का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल H2O वाटर इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, लेकिन ये यहाँ पर ये कंज्यूमर्स भी इस पर डिपेंडेंट हैं और प्लांट्स भी इस पर डिपेंडेंट हैं। इसी तरह अगर आप देख लें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ एन एबायोटिक फैक्टर, लेकिन प्लांट्स इस पर डिपेंडेंट हैं ताकि वो अपने लिए खुराक बनाए। कहने का मकसद ये है कि किसी भी नेचुरल एरिया में जानदार जो होते हैं वो जानदार के साथ, सो लिविंग बॉडीज़ के साथ एक इंटरेक्शन एक ताल्लुक उसमें पाया जाता है, और इसके अलावा वो जानदार जो होते हैं अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पर भी वो डिपेंडेंट होते हैं। दैट्स वाई वहाँ पर एक सिस्टम बन जाता है जिसको कहा जाता है इकोसिस्टम। और ये जो इंटरेक्शंस है इस ताल्लुक को बरकरार रखना चाहिए ताकि एक स्टेबल इकोसिस्टम हमारे पास मौजूद हो। अगर आप इसमें कोई इंटरेक्शन करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, यानी प्लांट्स या एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म की रिमूवल करेंगे, तो देट विल इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है इकोसिस्टम की? पॉन्ड है, लेक है, फॉरेस्ट एंड एक्वेरियम। एक्वेरियम तो आर्टिफिशियल में आ जाता है, दैट्स अ नेचुरल पॉन्ड लेक एंड फॉरेस्ट एक्वेरियम। अगर आपने देखा हो शीशे में जो होते हैं फिशेस पाए जाते हैं जो होटल्स में या घर में भी लोग बना लेते हैं, जिसे एक्वेरियम कहा जाता है, जहाँ पर आर्टिफिशियल कंडीशंस होती है एक शीशे के अंदर को जो होते हैं फिशेस वगैरह बंद किए होते हैं, उसको एक्वेरियम कहा जाता है। दैट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ एन इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम इज अ नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स इट मींस इंटरेक्ट एंड विद देयर एंड देयर एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ स्टेबल इकोसिस्टम। इस तरह की एक स्टेबल इकोसिस्टम जो होगी वो बनाएंगे। द नेक्स्ट वन इज द बायोम। व्हाट इज बायोम? द रीजनल इकोसिस्टम। अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो उसको हम डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट द रीजनल इकोसिस्टम्स, फॉर एग्जांपल द रीजन इज द टंड्रा फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट्स, जैसे हमने इस चारों में इसको तकसीम किया अर्थ को। सो वहाँ पर जो इकोसिस्टम्स है टंड्रा में, फॉरेस्ट में, या ग्रासलैंड या डेजर्ट्स में, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन। एक बात उसमें ये होगी कि वहाँ पर प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन होगी, जो ग्रीनरी पाई जाती है, ग्रीन बेल्ट पाया जाता है वहाँ पर, वो प्रीडोमिनेंट होंगे, एक ख़ास किस्म के पौधे वहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे, इज़ नोन एज बायोम। और यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करता हूँ कि वहाँ पर एनिमल्स जो होंगे उसमें एडॉप्टेशंस पाए जाएंगे, स्पेसिफिक एडॉप्टेशंस। फॉर एग्जांपल टंड्रा की जब हम बात करते हैं
तो वहाँ पर अगर आप देख लें डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास है पोलर बियर या जो फॉक्सेस होते हैं या जो फेंगुइंस पाए जाते हैं फेंगुइंस या सील्स पाए जाते हैं एक्सेट्रा। सो ये वे टाइगर सील्स एंड एक्सेट्रा मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं। सो ये हमारे पास वहाँ पर एनिमल्स हैं, लेकिन इस एनिमल्स में एडोप्टेशन है कि वो सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं बिकॉज उसकी जो स्किन होती है उस वो थिक होती है, थिक इंसुलेटिंग लेयर ऑफ फैट्स उसमें मौजूद होता है जहाँ पर वो उस सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो एक ऐसा जगह, एक ऐसे इकोसिस्टम, एक रीजन, इस इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट रीजन्स हैं डिजर्ट्स ग्रासलैंड्स फॉरेस्ट टंड्रा, जहाँ पर हमारे पास एक ख़ास किस्म की ग्रीनरी या हम कह सकते हैं डोमिनेंट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन वहाँ पर मौजूद हो और वहाँ पर एनिमल्स में एक ख़ास किस्म की एडोप्टेशंस होती है, उसको कहा जाता है बायो। सो अगर आप देख लें टंड्रा के जो एनिमल्स है वो इस फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में नहीं रह सकते बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होती है, वहाँ पर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे कैन लाइक दे आर डिजर्ट्स के जो एनिमल्स है वो सर्दी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो उसको कहा जाता है बेसिकली बायो। सो शॉर्टली हम डिफाइन कर सकते हैं द रीजनल इकोसिस्टम क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशंस आर कॉल्ड बायो। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।